इन द प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था कि कैसे किसी को सैल्यूटेशन कैसे दिया जाता है, यानी किसी को सैल्यूट करना कैसे, यानी अभिवादन कैसे किया जाता है। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे और आज हम सीखेंगे शुभकामनाएं देना। अब शुभकामनाओं के लिए हम क्या यूज करते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, शुभकामनाओं के देते समय आप जो मैं नीचे बताने जा रहा हूं उनमें से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं गुड लक, या बहुत से लोग बोलते हैं गुड लक टू यू। ओके, गुड लक टू यू, या आप बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो इस प्रकार से आप किसी को शुभकामनाएं दे सकते हैं। और तरीके की शुभकामनाएं हैं, आगे उसको भी हम देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमें ये ध्यान देना है। फिर किसी का, या हम विशेष या शुभ अवसरों पर कैसे शुभकामनाएं देते हैं इसका भी आप देख लेते हैं। जैसे किसी का अगर जन्मदिन है तो हम क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, राइट। या किसी को हम जो है दिवाली है, होली है, न्यू ईयर है, तो हम यूज कर सकते हैं हैप्पी बर्थडे, या हैप्पी दिवाली, होली, न्यू ईयर, और अगर आपको कोई ये सारी शुभकामनाएं देता है तो आप क्या करेंगे, उसको आंसर कैसे देंगे, धन्यवाद या थैंक्स। ठीक है, या थैंक यू वेरी मच, सो मच, यहां बोल सकते हैं आप थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच, इस प्रकार से आप उसको आंसर दे सकते हैं। किसी का अभिनंदन करना, अभिनंदन को हम कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं किसी का। अभी देखिए हमारी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अभिनंदन करने के लिए कई सारे वर्ड हैं, बहुत कॉमन है, वही हम सीखेंगे जो आजकल चलन प्रचलन में है, ट्रेंड में है। तो हम कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेट्स, फर्स्ट ट्रॉफी का आपको कॉमा जरूर लगाना है, या पूरा आप फुल बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। इस प्रकार से आप अभिनंदन के लिए बोल सकते हैं ये वर्ड, और आपको कोई बोल रहा हो तो उसको आप सीधा सिंपली आंसर दे सकते हैं, थैंक यू, थैंक्स, ए वाला आंसर, थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, इस प्रकार से आप उसको आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, या अगर हम बात करें किसी के काम की तारीफ करते समय आप कैसे बोल सकते हैं, किसी को इनकरेज करने के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, आप जानते हैं, कॉमन है, पर जरूरी है बोलना। देखिए, आप बोल सकते हैं किसी को इनकरेज करने के लिए गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, या आप बोल सकते हैं नाइस वर्क, गुड वर्क, नाइस वर्क, गुड वर्क, या बोल सकते हैं ब्रावो, ब्रावो, बहुत सारे शाबाश को हम बोलते हैं ब्रावो। तो इस प्रकार से हम, और इन सभी का आंसर आप थैंक्स से दे सकते हैं, राइट। बच्चे की तारीफ करते समय आप क्या कह सकते हैं, जैसे गुड बॉय, कोई बेबी है तो आप वहां बोल सकते हैं गुड बॉय, या गुड गर्ल, राइट, या आप बोल सकते हैं बी अ गुड गर्ल, अच्छे बच्चे बनिए, या बॉय, ठीक है, इस प्रकार से आप उनको इनकरेज कर सकते हैं। डांटते समय अगर आप बोल रहे हैं तो आपको यही ध्यान देना है कि आपको डांटना भी पॉजिटिव वे में होता है। तारीफ करते समय गुड बॉय, गुड गर्ल, और डांटते समय भी एक मैनर है कि आप इस प्रकार से डांटेंगे, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, अच्छे बच्चे बनो, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी को वार्निंग देना, जैसे सावधान करना किसी को, सॉरी थोड़ा गड़बड़ लग गया, किसी को सावधान करना, या वार्निंग इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं,
वार्निंग। अब वार्निंग के लिए बहुत सारे हैं सॉरी जैसे वॉच इट, ध्यान से, ठीक है, या वॉच आउट, या हम बोल सकते हैं लुक आउट, लुक आउट, बी केयरफुल। वार्निंग एक खुद में एक वार्न एक एक्शन है, तो आप बोल सकते हैं किसी को वार्निंग देना मतलब खतरे से सावधान करना, तो सावधान करना हो गया। पर किसी को कोई आप पे अटैक कर रहा हो तो आप उसको भी डांटते समय बोल सकते हैं आई एम वार्निंग यू, आई वार्न यू, ठीक है, इस प्रकार से। तो वार्न एक वर्ड है जो खुद में एक एक्शन है, ये कहता है कि आप सावधान हो जाओ, अगर आपने कुछ ऐसा किया तो मैं आगे से आपको, आप खुद प्रॉब्लम में आ जाओगे आगे से। तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान देकर बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी का, जैसे मान लीजिए कोई आपके रास्ते में खड़ा है और आप कहना चाह रहे हैं कि भाई हट जाइए, तो इतना सब कुछ आप वो अनजान इतना बोलने की जरूरत नहीं, आप वहां बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, राइट, या पार्डन मी, माफ करिएगा, पार्डन मी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं, अगर आपको ये चीजें कोई बोलता है तो आप उसका आंसर कैसे देंगे, जैसे कि किसी ने आप किसी के रास्ते में खड़े, किसी ने आपसे कहा एक्सक्यूज मी, तो आप बोल सकते हैं यस एक्सक्यूज्ड, ठीक है, एक्सक्यूज्ड, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसके बाद भी बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर रुक जाते हैं, और भी चीजें हैं सीखने को, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, देखिए इन सब चीजों, ये सारी चीजें तो ठीक है, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब किसी की बात अगर नहीं सुनाई पड़ी या दोबारा से आप कह रहे हैं कि आप कृपया बोल दीजिए मैं सुन नहीं पाया, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंसेस यूज करते हैं, भाई कोई बोल रहा हो कि भाई मैंने एप्लीकेशन बोल रहा हूं जरा लिखिए, या किसी ने कोई बात कही तो आपने कहा सुना ही नहीं पड़ा सर, तो वहां बोल सकते हैं कई सारे हैं, जैसे आप सीधे तो पहले आप बोल सकते हैं सॉरी, ठीक है, या पार्डन बोल सकते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हैं पार्डन मी, या अब एक क्वेश्चन है आपके बराबर छोटा है तो आप उससे बोल सकते हैं व्हाट, क्या कहा आपने, क्या आपने कहा, तो एक सेंटेंस बोल सकते हैं व्हाट डिड यू से, राइट। तो इस प्रकार से आप, अगर ये आपसे किसी ने कहा तो वहां आप आंसर दे सकते हैं आई सेड, अब जो भी हो आप वहां बोल सकते हैं, ठीक है। किसी का खेद या दुख व्यक्त करने के लिए हम क्या बोलते हैं, वहां भी हम बोल सकते हैं यार आई रियली सॉरी फॉर यू, अब वहां आप माफी नहीं मांग रहे हो, सॉरी फॉर यू, वहां आप माफी नहीं मांग रहे हो, आप उसके साथ उसके दुख में खड़े हो, ठीक है, वेरी सॉरी, या बोल सकते हो रियली सॉरी, जैसे मैंने बताया ना रियली सॉरी, ठीक है, या सॉरी अबाउट दैट, जो भी आपके साथ हो सॉरी अबाउट दैट, इस प्रकार से आप उसके दुख में शामिल हो सकते हो। ये सब कोई आपसे कह रहा हो तो आप उसका आंसर क्या दे सकते हो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ठीक है, ऑल राइट, या बोल सकते हो कोई बात नहीं यार, नेवर माइंड, इस प्रकार से बातों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देर होने की वजह बताते समय, देर हो गई हो आप उसकी वजह बताते समय आप क्या क्या सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा, बातें इतनी हैं कि बताने के लिए पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें अच्छे से, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, पेड चैनल है, पर आपको वहां पे बहुत सारी डेली चीजें मिलती हैं जिससे आप जो यहाँ सीखते हैं प्रैक्टिस करते हैं या इससे भी कहीं अधिक, ठीक है, वो चीजें आपको वहां प्रोवाइड की जाती हैं, पीडीएफ्स हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इन द फ्यूचर आपको जो भी चीजें हैं, जैसे ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो भी वीडियोस आपको मिलता है
यानी हम मैं जहां यहां से नया जो भी वीडियो अपडेट करता हूं वो अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया तो यू विल हैव ऑल द नोटिफिकेशंस डायरेक्टली इनटू योर मेल बॉक्स और योर मोबाइल फोन्स, सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम दिस चैनल. ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट, एंड इफ यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑल्सो. देन फॉर टुडे हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.